अब हम लास्ट बिट्स पे आते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उन सेंटेंसेस को आप पढ़िए ये विभिन्न सिचुएशन के सेंटेंस हैं इसकी प्रैक्टिस अन्य वीडियोस को जो हमने बनाए हैं उसको देख के आप कर सकते हैं लेकिन एक बार एक ही वर्ब को लेते हुए और एक ही सब्जेक्ट को लेके यहां पे देखिए कितने तरह के सेंटेंस बने हैं इट इज एन आई ओपनर एक तरीके से आपकी आंख खोलने के लिए ये सेंटेंस बनाए गए हैं और इसको समझिए कि ये कब बोले जाते हैं इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है तो लेट अस स्टार्ट विथ द टाइप्स ऑफ दैट यू आर लर्निंग फर्स्ट इज मैं बाजार जाता हूँ एज आई वन टाइप ऑफ वर्ब

एंड इन द प्रोसेस यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तीन जो अलग अलग प्रकार हैं उसको समझने की कोशिश करोगे पहला मैं बाजार जाता हूँ आई गो राइट मैं एक वचन बहुवचन पर नहीं जा रहा हूँ मैं केवल एक वचन ही कर रहा हूँ मैं उसका जब बहुवचन का उपयोग होगा तो बहुवचन जैसा उसका उपयोग करना है जो हमने पहले पढ़ा है मैं बाजार जाता हूँ आई गो टू द मार्केट राइट मैं बाजार गया आई वेंट टू द मार्केट गया सेकेंड फॉर्म मैं बाजार जा रहा हूँ जा रहा हूँ कंटिनस मैं कंटिन्यूस जा रहा हूँ काम जारी है आई एम गोइंग टू द मार्केट मैं बाजार जा रहा था भूतकाल में कंटिन्यूस पास्ट टेंस में कंटिन्यूस मैं बाजार जा रहा था आई वॉज गोइंग टू द मार्केट राइट नेक्स्ट मैं बाजार गया था। हियर कम से कैच वॉट इज दट कैच बाजार गया आपने पढ़ा ऑलरेडी आई वेंट टू द मार्केट अब यहां था शब्द जुड़ गया है था जोड़ने से अंतर पड़ा है आपको बताया काम पूरा हो गया और जब काम पूरा होता है तो उसको क्या बोलते हैं परफेक्ट क्या बोलते हैं परफेक्ट दैट इज कॉल्ड परफेक्ट सो परफेक्ट में मैं बाजार गया था आई हैड गॉन टू द मार्केट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है वी का कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म मैं बाजार गया था वर्ब का कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म यानी वी थ्री राइट सो मैं बाजार गया था मैं बाजार जाने वाला हूँ ये अलग वाक्य है अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि जब मैं जाने वाला हूँ खाने वाला हूँ सोने वाला हूँ होता है तो क्या बोलेंगे मैं बाज़ार जाने वाला हूँ मैं के साथ हूँ के लिए क्या लगता है वो हूँ शब्द तो अंग्रेजी में भी हिंदी में भी केवल मैं के साथ लगता है अंग्रेज़ी में भी एम केवल मैं के साथ लगता है मैं बाजार जाने वाला हूं आई एम अबाउट टू गो ये अबाउट टू शब्द याद रखिए अबाउट के हमने कई मीनिंग पढ़े हैं बहुत बार कंफ्यूजन होगा यहां पर आप उसको याद रखिए कि अबाउट का मीनिंग क्या है मैं बाजार जाने वाला हूं आई एम अबाउट टू गो पलंग गिरने वाला है द काट इज अबाउट टू फॉल छत गिरने वाली है द रूफ इज अबाउट टू फॉल वाली है गिरने वाली है सो इज अबाउट टू गिरने वाली थी वॉज अबाउट टू बड़ा सिंपल सो so, मैं बाजार जाने वाला हूँ आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट मैं बाजार जाने वाला था आई वॉज अबाउट टू गो टू मार्केट आई वॉज राइट घटना कोई सी होने वाली है या होने वाली थी तो उसके लिए अबाउट टू ये वाली के लिए अबाउट टू ओके नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन मैं बाजार जाते रहता हूं अभी देखिए हमने एक शब्द अबाउट टू का उपयोग देखा और जाना उसका नया उपयोग कि अबाउट टू मतलब होने वाला था हुआ नहीं होने वाला था हुआ नहीं होने वाला है अब यहां पर देखिए मैं बाजार जाते रहता हूं अब जाते रहता हूँ के लिए क्या शब्द है आई कीप गोइंग टू द मार्केट ख्याल करिए आई कीप कीप शब्द आ गया कीप मतलब हम और आप जानते हैं रखना कीप मतलब क्या होता है रखना यहाँ पर रखना नहीं है यहाँ पर इसका अर्थ रखना नहीं है दूर दूर तक कीप का संबंध रखना शब्द से यहाँ नहीं है जैसे दूर दूर तक वहाँ पर अबाउट अर्थ के बारे में नहीं है अबाउट मतलब सामान्यतः हम के बारे में बोलते हैं ना यहाँ नहीं है तो यहाँ पर देखिए मैं बाज़ार जाने वाला हूँ आई एम अबाउट टू गो मैं बाज़ार जाने वाला था आई वॉज अबाउट टू गो और मैं बाज़ार जाते रहता हूँ आई कीप गोइंग अब देखिए आई एन जी क्यों लगा क्योंकि रहता हूं रहा हूं नहीं रहता हूं आई कीप गोइंग कीप शब्द का उपयोग यहां समझने की कोशिश करिए ओके नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन मैं बाजार जाते रहता था अब देखिए मैं बाजार जाते रहता हूं प्रेजेंट में हुआ अब मैं बाजार जाते रहता था मैं क्या हो जाएगा यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएं मैं बाजार जाते रहता हूं आई कीप गोइंग और मैं बाजार जाते रहता था पास टेंस हो गया ना तो था में पास टेंस हुआ तो कीप का पास क्या है कैप्ट आई केप्ट गोइंग टू द मार्केट आई केप्ट गोइंग टू द मार्केट मैं बाजार जाते रहता था ओके okay. मैं बाजार जाते रहा था आई यूज टू गो टू द मार्केट आई यूज अब देखिए आपने अबाउट सीखा अबाउट टू आपने कीप का उपयोग सीखा अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मैं बाजार जाते रहा था आई यूज टू गो यू एस ई डी टू ये एक शब्द जैसा एक फ्रेज जैसा यूज़ करें यूज टू आई यूज टू गो टू मार्केट मैं बाजार जाते रहा हूँ आई बीन टू द मार्केट मैं बाज़ार जाने वाला हूँ मैं बाजार जाते रहा हूं इसका क्या होगा वाक्य मैं बाजार जाते रहा हूं आई हैव बीन टू द मार्केट आई है मार्केट और परफेक्ट आई हैव बीन गोइंग टू द मार्केट मैं बाजार जाते रहा हूं आई हैव बीन गोइंग टू द मार्केट मैं बाजार जाते रहा था आई हैड बीन गोइंग टू द मार्केट मैं बाजार जाने वाला हूँ मैं बाजार जाने वाला हूँ आई एम अबाउट टू गो टू द मार्केट बता दिया मैं बाजार जाने वाला था आई एम अबाउट टू टू द मार्केट यह भी पहले बता दिया है रेपिटिशन है अब मैं बाजार जाते जाते रह गया मैं गिरते गिरते रह गया मैं रोते रोते रुक गया मैं खाते खाते गिर गया चलाते चलाते सो गया अब इसका क्या होगा तो इसमें होता है मैं बाजार जाते जाते रह गया आई was जस्ट शॉर्ट ऑफ अब देखिए कैसा उपयोग है जस्ट शॉर्ट ऑफ आई was जस्ट शॉर्ट ऑफ स्लीपिंग मैं बस सोते सोते रह गया I was just जस्ट शॉर्ट ऑफ टेकिंग मार्सल मार्सल यानि कॉर आई वॉज शॉर्ट ऑफ टेकिंग ए माउथ फुल ऑफ करड कर दही मैं एक और लेते लेने ही वाला था मैं बाजार जाने ही वाला था समझ लीजिए मैं बाजार जाते आई वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ गोइंग टू द मार्केट क्या हुआ यहाँ पे मैं बाजार जाते जाते रह गया आई वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ गोइंग टू द मार्केट में गिरते गिरते रह गया अब जस्ट शॉर्ट ऑफ फॉलोइंग जस्ट शॉर्ट ऑफ शॉर्ट मतलब बच गया थोड़ा सा जस्ट शॉर्ट ऑफ अब मुझे बाजार जाना है मुझे बाजार जाना है आई हैव टू गो टू द मार्केट मुझे बाजार जाना है आई हैव टू गो टू द मार्केट अब देखिए यहां एक वाक्य है मैं बाजार जाने ही वाला हूं ऊपर हमने पढ़ा है मैं बाजार जाने वाला हूं दोनों में अंतर देखो ऊपर समझने की कोशिश करिए मैं बाजार जाने वाला हूं और मैं बाजार जाने ही वाला हूं दोनों में अंतर है थोड़ा बस मैं निकलने नहीं चुवाला हूँ जिसको बोलते हैं चलने नहीं चुवाला हूँ गिरने नहीं चुवाला हूं पिटने नहीं वाला हूं ये जो ऐसी वाली जो भाषा है पिटने ही वाला हूं गिरने ही वाला हूं और गिरने वाला हूं में क्या अंतर है गिरने वाला हूं और गिरने ही वाला हूं बाजार जाने वाला हूं और बाजार जाने ही वाला हूं में क्या अंतर है पहले तो आपको यह समझना होगा कि दोनों कब किस सिचुएशन में बोलते हैं बाजार जाने ही वाला हूं मतलब इसी क्षण बस ये हुआ और ये क्षण और मैं निकला दैट इज वॉट इज कॉल्ड मैं जाने ही वाला हूं अब यहां पर क्या हो जाता है आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो क्या हो गया जस्ट जुड़ गया जस्ट जे यू एस टी जस्ट जस्ट के कई मीनिंग हैं यहाँ का मीनिंग आप देख लीजिए यहाँ पर आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो टू द मार्केट मैं बाजार जाने ही वाला था आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू द market, मैं बाजार जाने ही वाला हूँ तो जाने ही वाला था और जाने ही वाला ये दोनों में आप देखो क्या संबंध है और उसके साथ ही मैं जाने वाला हूँ और जाने वाला था बिना जस्ट के ये अंतर हो जाता है जैसे बिना ही के अंतर हो जाता है अरे मेरा पेपर पूरा होने ही वाला था आई वॉज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट माई पेपर और मैडम ने आके मेरा पेपर खींच लिया क्लासरूम में परीक्षा में होता है कि नहीं कि हम आंसर लिख रहे हैं और बस आखिरी सेंटेंस लिखने ही वाला था कंप्लीट करने ही वाला था मैडम ने पेपर ले लिया सो so, उस समय क्या बोलेंगे आई वॉज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट और मैं कंप्लीट करने वाला था इतने में मैडम आई उस समय क्या बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू कंप्लीट द पेपर एंड मैडम के सो डियर फ्रेंड्स हियर आर डिफरेंट फॉर्मेशन कॉमन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देर आर फ्यू मोर बट आर लिटल मोर कॉम्प्लेक्स दे आर आटल हायर लेवल So, we have come to this point, these types of sentences, and with this, I hope you have understood different types of sentences. And by using different verbs and also different subjects, you will be able to make a lot of sentences and self study will take place in a better way. active passive voice, we hum one sentence, one type, which is one verb. Ho. और उसको हम अलग अलग टेंस फॉर्मेशन्स में चलाएं आई थिंक दैट शुड हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग लिटल बेटर अबाउट वॉइस एक्टिव बनाम पैसिव या पैसिव बनाम एक्टिव सो लेट अस हैव सम एग्जाम्पल हियर एंड लेट्स टेक टू बिल्ड हमने लिया है बिल्ड टू बिल्ड माने बनाना और हाउस बनाना हम क्या बनाते हैं मकान बनाते हैं और भी बहुत सी चीजें बनाते हैं यहां हम बात करेंगे मकान बनाना बिल्ड और हाउस सो यू हैव फर्स्ट कॉलम वर्बल टेंस टेंस फॉर्मेशन देन एक्टिव वॉयस एंड देन पैसिव वॉइस फर्स्ट इज टेंस देन एक्टिव वॉयस एंड देन पैसिव वॉइस वेन वी कम टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस टेंस Then you have present simple, present perfect, present continuous, past simple, past perfect, past continuous. And similarly, future simple and future perfect. These are the tense formations that we have here. And as I said, the key word verb is build. So, present simple is I build a house. प्रेजेंट सिंपल इज आई बिल्ड ए हाउस एंड दैट इज एन एक्टिव वॉयस क्या है आई आई बिल्ड ए हाउस अब ऑब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं पैसे में तो बनता है ए हाउस इज बिल्ट बाय मी राइट यू रिमेंबर एनी डिफिकल्टी नो आई थिंग ए हाउस इज बिल्ट बाय मी बाय मी आगे चला जाता है सबसे आखिरी में और ए हाउस जो ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले आ जाता है इट्स लाइक ए क्रिस क्रॉस प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव बिल्ट ए हाउस आई हैव बिल्ट ए हाउस ये क्या हुआ प्रेजेंट परफेक्ट मैंने मकान बना लिया है एक मकान बनाया है आई हैव बिल्ट ए हाउस इसका अनुवाद क्या हो गया एक मकान मेरे द्वारा बनाया गया है ए हाउस हैज बीन बिल्ट बाय मी देखिए अनुवाद कैसा हो रहा है आई हैव बिल्ट ए हाउस मैंने एक मकान बनाया है मेरे द्वारा एक मकान बनाया गया है ए हाउस हैज बीन बिल्ट बाय मी इसका अनुवाद देखिए थर्ड सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस काम जारी है उसमें आई एन जी लगता है फर्स्ट फॉर्मेशन में फर्स्ट फॉर्म में आई एम बिल्डिंग ए हाउस मैं मकान बना रहा हूं मैं एक मकान बना रहा हूं आई एम बिल्डिंग ए हाउस अब यहां काम जारी है तो काम जारी है उसको कैसे बताएंगे पैसे में बीइंग से आई एन जी लगा के क्योंकि जारी में आई एन जी लगता है ये याद रखेंगे और करता यहां आ जाएगा पीछे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा वो तो सबको मालूम है तो पर काम जारी है को बताने के लिए क्या है ए हाउस इज बींग बिल्ट बाय मी ए हाउस इज बींग बिल्ट बाय मी कंटिन्यूअस नाउ बहुत सिंपल जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस आपने देखा ऐसी आई हाउस ये पास क्यों हुआ बिकॉज दे इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्ड बिल्ट बिल्ड बिल्ट और थर्ड फॉर्म में भी बिल्ट ही रहता है तो आई बिल्ट ए हाउस कैसे होगा ये आई बिल्ट ए हाउस तो पास्ट टेंस क्या होगा वहां पर ए हाउस इज तो यहां पर ए हाउस वॉस पास्ट टेंस ए हाउस वॉज बिल्ट बाय मी पहला सेंटेंस सबसे ऊपर देखिए ए हाउस इज बिल्ट तो उसी के तरह क्योंकि ये सिंपल है पहला भी सिंपल था ये भी सिंपल है ए हाउस वॉज बिल्ट बाय मी एनी डाउट नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन ये देखिए अब ये प्रेजेंट फॉर्म में आया है चौथा I have been building a house, काम जारी है। मैं एक मकान आ, मेरा बना रहा हूँ। I have been building a house, काम जारी है। तो यहाँ क्या होगा? A house is being built by me, a house is being built by me। बड़ा इसको सोचिए। Past perfect कंटिनस काम जारी है परफेक्ट कंटिनूस है मतलब परफेक्ट कंटिनूस कब होता है आपको बताया था मैंने जब कुछ काम हो चुका है और कुछ बाकी है बीन बिल्डिंग हाउस मैं कब बोलूँगा तब बोलूँगा जब मैं कहूँगा कि मेरा इसका मतलब जब मेरा मकान का कुछ हिस्सा बन जाएगा और कुछ बचा होगा तब मैं बोलूँगा बीन बिल्डिंग हाउस यार आई हैव बीन ईटिंग फूड मैं खाना खा रहा हूँ मतलब काम जारी है मैंने कुछ खा लिया है और कुछ बचा है आपका फोन आया अरे क्या कर रहे हो आई मतलब मैंने कुछ खाना खा लिया है चार कौर ले लिए हैं और चार बाकी हैं तीन बाकी हैं तो so वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस तो परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैज बीइंग बिल्ड बाय मी नाउ पास्ट कंटिनूस में क्या आई वाज बिल्डिंग ए हाउस आप ऊपर जाइए यहाँ पास कंटिन्यूस के बदले प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है प्रेजेंट कंटिनुअस में आई वॉज बिल्डिंग हाउस पास हुआ और प्रेजेंट कंटिन्यूस में वॉज के बदले इज हुआ तो जब इज हट कर वहां पर क्या बनता है ए हाउस इज बींग बिल्ट तो पास में बोगा ए हाउस वॉज बींग हाउस वॉज बींग बिल्ट एनी डाउट ए हाउस इज बींग बिल्ट ए हाउस वॉज बींग बिल्ट फिक्ट आई हैव बिल्ट ए हाउस आई हैव बिल्ट ए हाउस पास परफेक्ट सॉरी आई हैड बिल्ट ए हाउस आई हैड बिल्ट आएगा ए हाउस हैड बीन बिल्ट बाय क्योंकि पास में है और काम पूरा हो चुका है मेरे द्वारा एक मकान बना लिया गया है तो दिस इज पास परफेक्ट एंड नाउ हैविंग डन प्रेजेंट एंड पास फॉर्मेशन लेट एस कम टू टू फॉर्म ऑफ फ्यूचर एंड दैट इज फ्यूचर सिंपल सिंपल का फ्यूचर में मैंने बताया विल लगाने से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है ये फ्यूचर का है तो यहाँ विल यदि मैं लगाता हूँ आई विल बिल्ड ए हाउस मैं मकान बनाऊँगा तो एस विल बी बिल्ट बाय मी विल बी बिल्ट बाय मी फ्यूचर परफेक्ट मेंउस मैं मकान बना लिया रहूँगा इसका अनुवाद क्या होगा मैं मकान बना लिया रहूँगा आई विल है जब तक तुम आओगे तब तक मैं मकान बना लिया रहूँगा जब तक तुम आओगे तब तक मैं खाना खा चुका रहूँगा आई विल हैव टेकन माई फूड यहाँ पे होगा आई विल का क्या होगा ए हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय मी हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय मी So, this is all about different formations with single verb and single subject. So as to make it simpler for you. Based on this, now you can continue with exercises using different verbs and also using different subjects. Right? With this, your active passive understanding is must be thorough.